हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है और बहुत सिंपल में इससे हम आपको बता सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, अंगूर, सेब, जामुन आदि फलों में किण्वन से शराब का बनाना कौन से अभिक्रिया है, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। अम्लीकृत जल से होकर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, यह कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। श्वसन की क्रिया में कोशिका अवयव धका क्या होती है, ऑक्सीकरण। कोशिका अवयव का जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। धोवन सोडा का अनुसूत्र क्या है, धोवन सोडा को हम धोबिया सोडा भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग कपड़े उपड़े धोने के लिए किया जाता है। Na2CO3 × 10H2O। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आ चुका है। दूध से दही का बनना कैसे अभिक्रिया है, जैविक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक प्रकार की जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। लेड नाइट्राइड को कसकर गर्म करने पर किस रंग की गैस उत्पन्न होती है, लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की गैस उत्पन्न होती है। पेट्रोलियम गैस क्या है, ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8, इथेन C2H6 का मिश्रण है, ज्यादातर इसमें ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। LPG के सिलेंडर में किस पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, एथिल मरकैप्ट का मात्रा मिलाई जाती है। NaCl+AgNO3 दिस गिव्स AgCl+NaNO3 किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उभय विस्थापन। यह क्वेश्चन जो है अगले बार भी मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देख सकते हैं आप। अगला है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर क्या मिलता है, ग्लूकोज। NO2 धुआं किस रंग का होता है, भूरे रंग का। संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है, संगमरमर का अनुसूत्र होता है CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट। यही चूना पत्थर का भी होता है और चौक का भी यही होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। लोहे पर चढ़ने वाली जंग का परत किस रंग की होती है, भूरे रंग की होती है। संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग क्या होता है, हरी रंग की होती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भोजन को ऑक्सीजन से बचाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट की बिलियन में धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट से लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। उपचयन को रोकने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रति उपचायक कहते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल टू होता है। अम्ल एवं भस्म के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीकरण कहलाती है, न्यूट्रल कर देता है। अगला चैप्टर जो है अम्ल क्षार और एवं लवण से, दूसरा चैप्टर से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो यह एक प्रकार का एंटासिड है जो अम्लीयता से पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाता है, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है MgOH2 जल में अवलंबन। हमारे उदर में उत्पन्न होने वाली पीत में क्या उपस्थित रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हमारे पेट में पाया जाता है, भोजन पचाने के लिए इसका उपयोग होता है। लेड स्टोरेज स्कॉर बैटरी में किस पर अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई बिलियन अंडे के पिसी हुई कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, जो चूने की पानी को दुधिया कर देता है, वह कोम्बिलियन क्या है, मतलब Na3PO4 कास्टिक सोडा NaOH और फॉस्फोरिक अम्ल H3PO3 के बीच उदासीनीय अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त लवण अनुसूत्र क्या होता है, Na3PO4। हाइड्रोजियम आयन का अनुसूत्र होता है H3+। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक। उपचयन का उपचार करने में किस औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड है। एसिटिक अम्ल में 4 से 6% जलीय बिलियन को क्या कहते हैं, सिरिका। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल।
कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का अनुसूत्र CO(SO4)×½H2O। बच्चों इसी को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का अनुसूत्र होता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। बोरेक्स सुहागा का अनुसूत्र होता है Na2B4O7×10H2O। अनादर सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, सोडा ऐसा। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5। खाने वाले सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं, एंटासिड की प्राकृतिक अम्लीय होती है या क्षारीय, क्षारीय होती है। हमारे शरीर में पीएच का परास क्या होता है, 7 से 7.8। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से घने सफेद एवं पीले बादलों से बने हैं, शुक्र। अगला चैप्टर है धातु अधातु। ज्ञात तत्वों में अधातुओं की संख्या 22, भूपटपट्टी के भाव में विचार से किस तत्व को प्रतिशत सबसे अधिक है, ऑक्सीजन, सीनेवार किसका अक्ष है, पारा या इम्पोर्टेंट है। भूपटपट्टी में पाए जाने वाली धातु में किस प्रतिशत सबसे अधिक है, एल्यूमिनियम। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। टाइप मेटल क्या है, टाइप मेटल क्या है, उसके बाद जो है इसमें लेड एंटीमनी एंस्टीन का मिश्रण है। छापा खाना एवं टंकन यंत्र की छापने के अक्षर बनाने में किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, टाइप मेटल का। अगला है बंदूक एवं पिस्तौल की नली बनाने में किस मिश्रण का उपयोग होता है, गन मेटल। उल्का किस अम्ल में विद्यमान होता है, टीन स्टोन। अम्ल राज क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा गया है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। HCl एवं HNO3 का ताजा मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण है। चिली साल्ट पीटर का अनुसूत्र क्या होता है, NaNO3। 22 कैरेट सोने से बने आभूषण में लगभग कितना प्रतिशत शुद्ध होता है, 91.7%। एल्यूमिनियम कार्बन मैग्नीशियम तथा मैंगनीज को मिश्र धातु क्या कहलाता है, ड्यूरेलमीन। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण प्राय किस विधि द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन, फ्लैन उत्प्लावन विधि द्वारा। तांबे या पीतल के वस्तु जिम हरे रंग की परत किस रसायन की होती है, भास्मिक कॉपर कार्बोनेट। सोडर क्या है, टीन एवं लेड का मिश्र धातु। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसी ऑक्साइड बनाती है, स्वसंयोजक। द्रव धातु का क्या नाम बताया, पारा। द्रव धातु जो मतलब कमरे के ताप पर भी द्रव होता है ये पूछ दिया जाता है, मरकरी कहते हैं। ऐसी धातु का नाम बताया जो जल में तैरती है, कैल्शियम। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो हो जाएगा सोडियम। जिसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ऐसे कौन सा धातु जिसे किरोसिन तेल में, तो वो भी हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, धातु ऑक्साइड की समान प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है, इसका हो जाएगा बच्चों 2 किलोमीटर। अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम बताइए, हाइड्रोजन। सक्रियता श्रेणी से ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन। कौन सी धातु आसानी से संसाधित नहीं होता, सोना या प्लेटिनियम, इसमें जंग नहीं लगता है। सोडियम क्लोराइड किस अवस्था में विद्युत का चालन होता है, जलीय अवस्था में। लोहे के फांग पेन को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेज या पेंट या जीन की परत चढ़ाई जाती है। 18 कैरेट सोने कितने प्रतिशत शुद्ध भाग हुआ, 57%। नकली दांत किस पदार्थ का बने होते हैं, कोबाल्ट एवं क्रोमियम के मिश्र धातु से। मनुष्य के स्वभाव में चिड़चिड़ापन किस तत्व की कमी से होता है, जिंक। प्राचीन काल में मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है, लोहा का काला अक्ष। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सोना। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोबनीकरण, ग्लोबनीकरण या ग्लोबनाइजेशन भी कह सकते हैं इसको हम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, क्यों, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अमलगम क्या है, अमलगम जो है पारा एवं अन्य धातुओं का घोल है। धातु का संसारण रोकने के लिए उस धातु की सतह पर टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि धातु का परत चढ़ाना क्या होता है, क्रोमोलेपन। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
पहला मतलब ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है फर्स्ट, और हमारे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक। जैव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्जीलियस ने किया, और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता भी बर्जीलियस है, जैसे बर्जीलियस जनक माना जाता है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक कौन था? यूरिया था, जिसका निर्माण वोहलर ने किया था। डोलोमाइट का अनुसूत्र क्या होता है? MgCO3CaCO3। मैग्नेटाइट का अनुसूत्र क्या है? MgCO3। फ्लोरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, कार्बन के वैसे तीन अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, मिनिस्टर फ्लोरीन। तो ये आपको पूछ सकता है अपरूप में। समस्त प्राणी जगत का एक आवश्यक तत्व है कार्बन। 1-ब्यूटीन तथा 2-ब्यूटीन किस प्रकार की समावयवी है? स्थान समावयवी है, समावयवता इसमें पूछ सकता है। हीरे में कार्बन परमाणु के बंधने वाले कौन से बंधन है? स्वसंयोजी बंधन है, जो आपस में एक दूसरे से बंधा हुआ था कार्बन कार्बन के बीच में। किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? Cl4C3 का मिश्रण से। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग होने वाले उत्प्रेरक होता है सांद्र NaOH। मिथिलेटेड स्प्रिट बनाने में इथेनॉल में क्या मिलाया जाता है? मैथिल अल्कोहल। विशेष करके ये कोई जो बनाया जा रहा है श्री, ये बिहार बोर्ड के 10th में एग्जाम दे रहा है, बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है। और उसके अलावा आप यदि कोई कम्पिटेटिव लेवल में यदि ITI पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन आ जाएगा। विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में अत्यधिक दाब पर गर्म करके ग्रेफाइट को किस पदार्थ में बदला आता है? हीरा। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? 2-मेथिल प्रोपेन। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? वियोजन। CNG क्या में क्या उपस्थित रहता है? मीथेन। CNG जिसपे मतलब दिल्ली वगैरह में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए CNG पे ही गाड़ी को चलाया जाता है, जितने भी बस वगैरह होते हैं CNG पे चलते हैं। आज मैं इस वीडियो में हो सकता है तो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का बताऊंगा, उसके बाद फिजिक्स और बायो के लिए मैं जस्ट वीडियो दूंगा, उसको आप देखें डिपेंड केमिस्ट्री क्लास 250 पे। और सोडियम के छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। साबुन रहित साबुन किसे कहते हैं? मार्जक को। मीथेन अणु की संरचना होती है चतुष्फलकीय। मीथेन में संरचना के दो संभव आबंधों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 109.5 डिग्री। सिलिकेन उपस्थित कार्बन का नाम है एसिटिक अम्ल। जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत किसने किया? वोहलर ने। विषम परमाणु किसे कहते हैं? कार्बन यौगिक से हाइड्रोजन के प्रति स्थायी करने वाले तत्व को। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किस रंग का होता है? नीला।